नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैफ और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइज, रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया, मैंने सऊदी अरब का वीज़ा अलॉट किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको संडे वाले दिन उसका इंटरव्यू है, यानी कल जिसका इंटरव्यू था। तो काफ़ी लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, तो काफ़ी लोग इंटरेस्टेड थे जॉब में आने के लिए, इंटरव्यू के लिए। तो मैंने ज़्यादातर सभी को मना कर दिया उस जॉब के लिए, क्योंकि उस पर एक मुझे अपडेट मिला था कि अगर फ़्लाइट, मतलब ये बोला गया था कि जब फ़्लाइट स्टार्ट होंगी तब फ़्लाइट से मतलब उस वीज़े पे आगे का प्रोसेस होगा। तो जितने भी लोग इंटरव्यू के लिए आने वाले थे, मैंने सभी को मना कर दिया था, क्योंकि उस पर ये फ़्लाइट की कोई गारंटी तो अभी है नहीं, किसी को नहीं पता है कि फ़्लाइट कब स्टार्ट होंगी। अभी जो फ़्लाइट का मतलब डेट जो भी आई हुई है, जैसा मतलब जो अपडेट है, वो रमज़ान के बाद का है कि रमज़ान या ईद के बाद ही यह फ़्लाइट स्टार्ट होंगी। तो काफ़ी लोगों ने मतलब, अगर मैं आप लोगों का इंटरव्यू दिलवा देता उसमें और आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता, तो कुछ डिपॉजिटेड अमाउंट जमा करना था, जो महज क्लाइंट से मतलब मिला था कि आपको पहले कुछ पेमेंट जमा करना पड़ेगा, तो फिर आपका पेमेंट ही फंस जाता और आपका पासपोर्ट भी सबमिट होना था उसमें, पासपोर्ट ही फंस जाता। और ज़्यादा से ज़्यादा 3-4-5 महीने लगता, फ्लाइट की कोई गारंटी नहीं, हो सकता हो 5 महीने लग जाते, हो सकता हो 8 महीने लग जाते। फिर लोग परेशान होने लगते कि भाई मेरा पैसा भी जमा है, पासपोर्ट भी जमा है, और अभी कोई अपडेट नहीं आया। तो उसके बाद अपडेट आता, इस वजह से मैंने ज़्यादातर सभी को मना कर दिया कि भाई इसमें इंटरव्यू में आप लोग मत आएँ, क्योंकि तो फंसने वाला काम था। और तो काफ़ी लोगों ने मतलब अच्छा रिस्पांस दिया था, अच्छा प्यार दिया, काफ़ी लोग आ रहे थे, बाहर के भी लोग इंटरेस्टेड थे, जो भी जैसे हैदराबाद से भी लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि भाई मैं इंटरव्यू के लिए आ रहा हूँ। तो मैंने सभी को ज़्यादातर मना कर दिया, यूपी वाले तो अपने इंटरेस्टेड रहते ही हैं, काफ़ी लोग हैं, उनको तो टाइम भी नहीं लगेगा आने में इंटरव्यू के लिए, तो इसलिए मैंने मना कर दिया था इस जॉब में, क्योंकि फंसने वाला काम नहीं करना है। और अब बात करते हैं कि जो भी जॉब आई थी OIG वाले के लिए, तो OIG वाला काम अभी अवेलेबल है, ओमान वाला ये काम एकदम रेडी है, आपका 1 महीने के अंदर फ्लाइट हो जाएगी, ये बस ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन या 1 मंथ लगेगा, आपका पूरा काम इसमें हो जाएगा। और उसमें मैं बता दूंगी 80 ओमानी रियाल सैलरी है उसमें, और रहना कहाँ है, जर्नल क्लीनिंग का काम है, इंडोर का काम मिलेगा आपको, बाहर का कोई काम नहीं करना होगा। तो अगर आप लोग उसमें जाना चाहते हैं तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, 28 तारीख को उसमें इंटरव्यू है लखनऊ में ही। तो जितने भी लोग बाहर से जाना चाहते हैं या यूपी के ही हैं, अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं तो उसमें जा सकते हैं। वीज़े की डिटेल भी मैं फ्लैश कर देता हूं आपके लिए, OIG कंपनी है और रेट भी सबसे कम है इस वीज़े का, सर्विस चार्जेस भी कम है। तो अगर इंटरेस्टेड हों आप तो जा सकते हैं इसमें, ओमान वाला वीज़ा। ऑलरेडी मेरे 3-4 कैंडिडेट इसमें जा चुके हैं ओमान वाले में, और अच्छे से काम कर रहे हैं वो, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत परेशानी उनको नहीं है इस कंपनी में, क्योंकि अच्छी कंपनी है। और बाद में रिटर्न आपको एक बार पैसा भरना होगा, दोबारा में 2 साल पे कंपनी छुट्टी देगी आपको, फ़्लाइट की टिकट सब प्रोवाइड करेगी। और जब भी आप यहाँ आएंगे 2 महीने छुट्टी, अगर दोबारा आप जाना चाहते हैं तो दोबारा भी आप इसमें जा सकते हैं, बिना कुछ आपको पे करना, कुछ भी नहीं पे करना होगा, एक बार कंपनी आप थ्रू चले जाएँ फिर आप दोबारा आ जा भी सकते हैं, उसमें कुछ भी आपको अमाउंट पे नहीं करना होगा, 1 टाइम पेमेंट होता है वो आपको देना होता है, उसके बाद सब कुछ आपका फ्री रहता है। तो गाइस, ये वीज़ा इस वक्त अवेलेबल है, अगर आप लोग जाना चाहते हैं इस वीज़े में तो मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, या तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जो भी लोग सर्विस चार्ज जानना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। और काफ़ी लोगों को रिप्लाई पर बहुत ज़्यादा वो रहता है कि भाई आप रिप्लाई नहीं करते हो, तो भाई मैं सभी को रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि आप ही नहीं हो, हज़ारों लोग मैसेज करते हैं तो सबका मुझे रिप्लाई देना पड़ता है, तो इसलिए मैं जो हूँ आप लोगों को मतलब मैसेज के रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। अगर आपको 1 हफ़्ता हो गया, 2 हफ़्ते हो गए, 1 हफ़्ते बाद भी रिप्लाई मिलेगा, लेकिन आपको रिप्लाई डेफिनेटली मिलेगा, श्योर मिलेगा, भले 1 महीने बाद मिले लेकिन मिलेगा ज़रूर, डेफिनेटली मिलेगा। तो गाइस, इतने भी लोग इंटरेस्टेड हो YG वाली कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, अच्छा वीज़ा है, और अप्लाई करने के लिए मैंने अपना जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वह व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हो। तो गाइस, अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। और अब बात करते हैं भाई, जो भी मुझे कॉल्स मिल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस मैंने देखे ऊपर से नीचे तक, तो सब ग्रीन हाउस लेबर वाला, जो इससे पहले 1-2 मंथ पहले काम आया था, तो उस पर लोगों का बहुत प्यार मिला उस वीडियो पे। तो काफ़ी लोग उस जॉब के लिए अभी तक मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भाई वाली जॉब अवेलेबल है, हमारी जॉब अवेलेबल है, तो बता दो को भाई वो जॉब आए हुए 2 मंथ हो चुके हैं, तो वो जॉब के लिए आप वो जॉब 100 मतलब फिनिश हो चुकी है 2 मंथ। आप लोग जब भी वीडियो देखा करें तो उस पर डेट देख लिया करें कि कौन सी वीडियो पुरानी है, बहुत से बहुत 20 दिन काम रहता है उसके बाद एक्सपायर हो जाता है, अगर काम लंबा है तो 20 दिन रहेगा उसके बाद काम एक्सपायर हो जाता है। तो फिर वो वीज़ा अभी अवेलेबल नहीं है कुछ भी, मतलब उस वीज़े पे आप लोग कुछ भी मत करें, वो जो ग्रीन हाउस हेल्पर वाला वीज़ा है वो एक्सपायर हो चुका है, अब उसमें कोई भी अपडेट नहीं है उसका, बस यही अपडेट है कि वो काम अब फिनिश हो चुका है, अब कोई भी उस पर काम नहीं है।
तो गाइस अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि न्यू जॉब अपडेट्स रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे आती रहती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल।